अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में खाना देर से आने पर बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के बेटे शोएब अखलाक ने बिगिज पिज्जा रेस्टोरेंट संचालक पर पिस्टल तान दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़कर सिविल लाइन थाने ले आई, लेकिन जैसे ही यह पता चला कि पकड़ा गया युवक शोएब बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक का बेटा है तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सूचना पाकर तुरंत ही पूर्व सांसद का बड़ा बेटा शाकिब भी वहां पहुंच गया। उसे तुरंत ही इंस्पेक्टर के एसी रूम में बैठा दिया गया। मामला मीडिया तक पहुंचा तो आनन फानन में प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया कि शोएब नामक युवक वहां रिवॉल्वर लेकर पहुंचा था। पुलिस उसे थाने लेकर आई, जहां बताया गया कि रिवॉल्वर डमी है यानी नकली। पुलिस ने शोएब का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है। यह पूरा घटनाक्रम मेरठ आरजी कॉलेज के सामने स्थित बिगिज पिज्जा रेस्टोरेंट पर गुरुवार की दोपहर हुआ। यहाँ शोएब अखलाक बर्गर आदि खाने पहुंचा था। ऑर्डर में देर हुई तो वह काउंटर पर पहुंच गया और संचालक शेखर पर रिवॉल्वर तान दी। कर्मचारियों ने लेकिन मौका पाकर उसे पकड़ लिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस उसे सिविल लाइन थाने ले आई। यहां इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने बंद कमरे में शाकिब अखलाक से वार्ता की। इसके बाद शोएब का IPC की धारा 151 के तहत चालान काटकर उसे घर भेज दिया गया। डमी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई। देखिए एकदम मोबाइल ना आ रहा, किससे करूं मुझे क्या किससे करूं ठीक है। अब आपको देखा कर दे। हाँ हाँ कर लो संजीत सर। हाँ आपको भैया भर लो हम बात कम कर लो अब भर लो मेरे में टक्कर मार दी कैमरे में। थोड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।